किंडरगार्टन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे व्यंजन प। प से बनने वाले कुछ शब्द देखिए। प से पतंग, प से पपीता। प से बनने वाले अन्य शब्द, प से पलक, प से पलभर। चलो लिखना सीखें। प, पेंसिल को सेकंड लाइन पे रखिए और सीधा लेके जाइए, फिर यहाँ से घुमाते हुए दूसरी साइड पे यहाँ तक लेके जाइए, फिर इसके सामने से एक सीधी लाइन बनाइए, एक लाइन ऊपर लगाइए। ये बन गया प। फिर से देखते हैं प। सेकेंड लाइन पर पेंसिल रखकर सीधे लेके जाइए और फिर यहाँ से ऐसे घुमाइए। जहाँ तक हमने ये घुमाया है वहाँ से सीधी लाइन लगाइए, एक लाइन ऊपर लगाइए। ये बन गया प। अगला शब्द है फ। फ से फल, फ से फन। फ से बनने वाले अन्य शब्द देखिए। फ से फसल, फ से फटक। चलो लिखना सीखें फ। पहले हमने प की तरह बनाना है इसको। ये देखिए, सीधा लेके जाइए, उसको घुमाइए, यहाँ तक लेके जाइए, फिर वन लेक बनाइए, फिर यहाँ तक ऐसे करके ऐसे। ये बन गया फ। फिर से देखिए, पहले हमने प की तरह बनाना है, पहले हमने सीधा लेके जाना है, फिर उसको ऐसे घुमाइए, फिर एक सीधी लाइन लगाइए, फिर जहाँ पर ये हमने फिनिश किया था वहीं पर पेंसिल रखकर ऊपर ले जाते हुए ऐसे ऊपर स्लीपिंग लाइन। ये बन गया फ। आज हमने प और फ दो व्यंजन सीखे हैं। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है।